Hello everyone, we are going to start lecture 2 for class 7th history. The chapter name is A Thousand Year of History. In the earlier class, I teach you about geographical boundaries and maps, the sources of history, which are inscriptions, coins and archaeological sources, book and journals. Now we are going to start from a new topic, that is changing social and political conditions. तो मेडिवल इंडिया में क्या क्या नई नई चीजें हो रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका सोसाइटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो पहली चीज, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस होना शुरू हुए, जैसे कि मैकेनिकल क्लॉक्स बनने शुरू हो गए, वर्टिकल विंडमिल बनना शुरू हो गया। दूसरा, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड स्पिनिंग व्हील। तो पेपर और स्पिनिंग व्हील वेर द टू इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस एरा। पेपर बन जाने से रिकॉर्ड मेंटेन करना ज्यादा आसान हो गया। The third one is age of exploration. Age of exploration का मतलब है कि लोग अब travel करना शुरू कर दिए एक जगह से दूसरी जगह, तो नए land routes और sea routes मिलना शुरू हो गए। Vasco da Gama and Columbus are the famous examples, are the famous travelers. Vasco da Gama in 1498 found a sea route to India. And Columbus found America. तो जैसे जैसे ट्रैवलिंग शुरू हुआ, लोगों को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करने का मौका मिला, तो आइडियाज एक्सचेंज होने लगे, तो जिसके कारण एक जगह पे दूसरी जगह का कल्चर आना शुरू हो गया, न्यू नॉलेजेस आने लगे, न्यू टेक्निक्स आने लगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से। तो न्यू नॉलेज एंड टेक्निक्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड केम टू इंडिया। न्यू फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हुए, तो उसके कारण नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए, तो नई टेक्नोलॉजीज के कारण न्यू फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप हुआ। मेनी न्यू क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, पोटैटोज गेंड एक्सेप्टेंस इन टू द इंडियन डाइट। बहुत सारे न्यू क्रॉप्स, क्योंकि बाहर से फॉरिनर्स आए तो वो न्यू क्रॉप्स भी लेके आए, क्योंकि उनके कल्चर में वो सारे क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थे, तो उन्होंने यहाँ भी ट्राई करा, तो टी, कॉफी, पोटैटोज इंडियंस ने भी अपना लिया। तो मेनी न्यू क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफी एंड पोटैटोज। वर्णा सिस्टम गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कास्ट सिस्टम। वर्णा सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ड्यूटी, वेयर एज कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। ओके, वर्ण सिस्टम मेरिट बेस्ड था और कास्ट सिस्टम आपका ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ था। इसका मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्राह्मण ही होगा, लेकिन वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण के घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ब्राह्मण तभी होगा जब उस बच्चे के पास ब्राह्मण बनने का मेरिट होगा। ठीक है, जाति सिस्टम ऑल्सो गेन्ड अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। I will teach you about jati system later. Now let's move to the evolution of religions. किस तरीके से religions का evolution हुआ? तो India is the birthplace of four important religions, that is Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. Every religion got transformed due to changing social, political and cultural conditions. वक्त के हिसाब से रिलीजन में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है, क्योंकि लोग मॉडिफाई होते रहते हैं तो वो अपने रिलीजन को भी अपने मुताबिक मॉडिफाई करते रहते हैं। नो, व्हाट आर द होली टेक्स्ट ऑफ हिंदूज? वेदास एंड उपनिषद। और इस वेदा और उपनिषद को इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्राह्मण्स की। और इसके कारण सोसाइटी में ब्राह्मण का डोमिनेंस बढ़ गया। ठीक है, तो जब डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण गॉट इंक्रीज्ड एंड व्हेन ब्राह्मणिज्म गॉट डोमिनेटेड इन द सोसाइटी, सो द अदर कम्युनिटी, द अदर कास्ट सच एज क्षत्रियाज, वैश्याज, दलित्स फाउंड अनदर वे। नाउ दिस गेव अ बर्थ टू the other religion, that is Buddhism and Jainism. They are the non-Vedic stream of Hinduism.
बुद्धिज्म और जैनिज्म वेदास पे यकीन नहीं करते हैं। बुद्धिज्म को पॉपुलर करने में किस राजा का हाथ रहा? अशोका। जैनिज्म को पॉपुलर करने में किस राजा का हाथ था? खारवेला ऑफ कलिंगा। ठीक है, अब लेटर दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट आए, एक आया भक्ति मूवमेंट, दूसरा था सूफी मूवमेंट। व्हाट इज भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिस्पॉन्स टू अ ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स हिंदुइज्म। आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस हिंदुइज्म में बढ़ता जा रहा था, बाकी कास्ट इन्फीरियर फील करते थे और ब्राह्मण्स कहते थे कि दे आर द मीडियम टू रीच द गॉड। बट व्हाट भक्ति मूवमेंट सेज, इट सेज एनीवन कुड प्रे टू गॉड डायरेक्टली इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कास्ट और क्रीड। तो भक्ति मूवमेंट ने ये आइडिया को जन्म दिया कि गॉड को प्रे करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर कास्ट क्लास या क्रीड से बिलोंग करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन कैन प्रे टू गॉड एंड रीच टू गॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास कास्ट और क्रीड। नाउ व्हाट इज इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट? इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट में क्या है? द सूफी इज प्रोपोगेटेड दैट देयर इज ओनली वन गॉड। इनका मानना था कि भगवान सिर्फ एक है एंड ऑल रिलीजन हेल्प टू रीच दिस गॉड, और सारे रिलीजन गॉड तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो गॉड सिर्फ एक है और सारे रिलीजन का सेम काम है कि गॉड तक पहुंचने में मदद करें। दे बिलीव इन नॉन वायलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म कल्चर, एंड दे सॉ बियॉन्ड कास्ट सिस्टम एंड एम्ब्रेस्ड ऑल इक्वली, एंड दे वेर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड दे एम्ब्रेस्ड एवरीवन इक्वली। They believed everyone was equal and so there was no need of any caste system, because caste system means hierarchy and there was no hierarchy in Sufi movement and they don't believe in any kind of hierarchy. Moving forward to the dynasties and the conquest. तो इस 1000 साल के में कौन-कौन से dynasties आई, कौन-कौन से dynasties रही, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में शाही डायनेस्टी थी, ये इंडस और झेलम नदी के बीच में थी। इंडस के 5 ट्रिब्यूटरी हैं इंडस को छोड़ के, ठीक है, इंडस, चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो इंडस और झेलम के बीच में जो रीजन पड़ता था वो शाही डायनेस्टी के अंदर आता था, बेसिकली ये कश्मीर का पार्ट हो गया। The second dynasty which is important is Pratiharas. They ruled from Kannauj. It is from 750 to 1920 AD. I will teach about all of these dynasties one by one in coming chapters, in the upcoming chapters. Now, for now, I am just giving, this chapter is just giving a brief idea of the dynasty which ruled during this 1000 year. Then the next dynasty which is important is Rashtrakutas. They ruled from Latur and Malkhed. The timeline was 753 to 973 AD. Now, later Kushanas, Satvahanas and Chalukyas came. They ruled central India and Karnataka. And then Kakatiyas, these were the small dynasties. They ruled Varangal, Pallavas, their Kanchipuram, Hoysalas, Halipidu, Cholas, the whole peninsular India. Later, Vijayanagara Empire came. It was a very important empire. Hampi is one of the famous destination or the famous place which came under the Vijayanagara Empire. Now, then came Muslims. 715 AD, Muhammad bin Qasim attacked Sindh. He was the first Muslim to attack India. Before that, nobody dared, no Muslim came or attacked India. Okay. Now, after a gap of 300 years, between 1997 to 1027 AD, Mahmud of Ghazni attacked India 17 times. His aim was to, he wanted to loot India and to loot Somnath temple and to propagate Islam. Okay, later
मोहम्मद गौरी केम फर्स्ट इन द फर्स्ट टाइम ही गॉट डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान बट लेटर ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान देन केम दिल्ली सल्तनत इट हैज फाइव डायनेस्टीज आई विल टीच यू अबाउट ऑल ऑफ देम इन द अपकमिंग चैप्टर्स इट लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1526 देन केम मुगल्स मुगल्स एरा कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स द ग्रेटर मुगल्स द लेटर मुगल्स द ग्रेटर मुगल्स लास्टेड फ्रॉम 1526 टू 1707 दैट इज फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब एंड द लेटर मुगल्स लास्टेड फ्रॉम 1707 टू 1857 दैट इज फ्रॉम बहादुर शाह वन टू बहादुर शाह जफर ओके आई विल टीच यू अबाउट ऑल ऑफ देम इन द अपकमिंग चैप्टर्स यू डोंट हैव टू वरी फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द डायनेस्टीज फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ आइडिया ऑफ ऑल दीज डायनेस्टीज सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ डायनेस्टीज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री That is, what were the changes? Earlier, the society was semi-nomadic. It got settled. Earlier, the society practiced hunting. It got transformed into the agricultural society. Earlier, people believed in regional alignments. Later, it got transformed into expansionist ambition. That is, people started capturing new places. And they started expanding their territories. Now trade plus traveling leads to exchange of goods plus exchange of ideas. So this is what led to some new things, some new ideas and some new goods coming to India and exchange of ideas and goods started to take place. So your chapter is over. For any doubts and queries, you can call us anytime. Thank you.